पार्टी का सक्सेना। इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। देश में 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 4th चरण में चुनाव होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी आज एक प्रेस वार्ता में दी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एक और राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अपने अपने दल बल के साथ तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं प्रशासन भी शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कमर कस चुका है। शाहजहांपुर में 13 मई को मतदान होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया कि 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल होगी। नामांकन पत्रों की जाँच 26 अप्रैल को तथा नामांकन वापसी 29 अप्रैल को होगी। लोकसभा क्षेत्र 27 शाहजहांपुर के लिए 13 मई को 23,22,102 मतदाता मतदान में भाग ले सकेंगे। शाहजहांपुर जनपद के ददरौल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी होगा। गौरतलब है कि भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह के निधन के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी, जिसके चुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की गई है, जहाँ 3,72,092 मतदाता अपना प्रतिनिधि यानी विधायक चुनेंगे। अपर जिला अधिकारी प्रशासन संजय कुमार पांडे ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता यदि चाहेंगे तो उनके घर पर ही पोस्टर बैलेट पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन का समय प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक रहेगा। आपराधिक चरित्र के प्रत्याशियों को अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी 3 बार समाचार पत्रों में प्रकाशित करानी होगी। दूसरी ओर सूचना जारी होने के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। शाहजहांपुर में भी जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। सड़कों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर जेसीबी मशीन से उखाड़ने शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल अब आचार संहिता के तहत सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। देखिए कि हमारे यहाँ 4th चरण में चुनाव है और ददरौल विधानसभा का उपचुनाव भी होगा 4th चरण में, और 18 अप्रैल को नामांकन होगा, 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है और 13 मई को चुनाव होगा। हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और आचार संहिता का अनुपालन कराया जा रहा है। इसमें पोस्टर बैनर हट रहे हैं, जहाँ भी बसेज हैं सबसे भी जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ से आचार संहिता सब तरह से पालन करा रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों से भी और राजनीतिक दलों के साथ भी हमने अनुरोध कर दिया है, अपील किया है। और 2481 हमारे बूथ हैं, 1792 सेंटर हैं, उस पर पूरी तैयारी हमारी पूरी है। स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग चुनाव सम्पन्न कराएंगे और जो भी SOP भारत निर्वाचन आयोग की है उसका 100% हम लोग पालन कराएंगे। कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई या कोई अराजकता फैलाई गई या निष्पक्षता किसी अधिकारी कर्मचारी की या राजनीतिक दल की पाई जाती है वायलेशन में MCC के, तो उसे सख्त कार्रवाई की जाए। लोकसभा चुनाव और होली के मद्देनजर शाहजहांपुर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आज जनपद के कलान व कुटार थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर जनता को सुरक्षा का एहसास कराया गया। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो।